सभी पत्रकार भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। और हम आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान पश्चिमी बंगाल का रहा है। आप बिहार की धरती पर आए हैं और हम यहाँ पे अपना जो संघर्ष है बात के सामने उसका यहाँ पर गठन किया है और आगे के लिए जितने यहाँ पे किसानों की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार के सामने रखा जाएगा और उनके जो लाइफलाइन टाइम किसानों को बचाने के लिए मजदूरों को बचाने के लिए उनको समय करने के लिए जाके टाइम टाइम के आंदोलन भी लगते हैं। साथियों आज जो किसान की दशा है देश के अंदर उसके लिए हम आंदोलन करते हैं और आज किसान की दशा दूसरे वर्गों की बजाय ज़्यादा दयनीय है। और पश्चिमी बंगाल का तो अगर हम हाल देखें तो बिल्कुल और ज़्यादा है, यहाँ पर खेत और कमजोर है। जहाँ पे हमने जो देखा है वो बिल्कुल छोटे छोटे खेत हैं और आमदन जो है बहुत कम है और प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे हजारों हजार रुपये मंडी सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर किसान को उच्चतम भाव दे सकता है। जो जमीन छोटे टुकड़ों में है, एक किसान की एक जगह जमीन है, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। किसान की आमदन बढ़ाने की जरूरत है, कोऑपरेटिव खेती करने की जरूरत है, क्योंकि दो एकड़ का किसान एक एकड़ का किसान वो यहाँ कर खेती करके अपना जीवन का नहीं कर पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ के हालत में जहाँ के किसान यहाँ पर मजदूर गुजारा कर रहे हैं, तो खेती सुधार यहाँ पर बहुत जरूरत है और बजट ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बजट खर्च किया है वो भी बहुत कम है। पहली पाँच वर्ष से दूसरा में 14% बजट खेती में खर्च का सेंटर गवर्नमेंट का और अब उनका मौजूद 1% से भी कम है। इसी तरह प्रदेश सरकारें हैं, प्रदेश सरकारों के बजट भी लगातार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जो खेती का कारोबार है जो हमारे देश के आज भी 60% उदाहरण खेती से रोजगार चला रहे हैं, खेती से जीवन गुजारा कर रहे हैं, उनके धंधे का जो बजट है वो बहुत कम खर्च किया जा रहा है। चाहे वो सिंचाई का पैटर्न हो, चाहे वो कोई और सुविधा देने का पैटर्न हो, खेती के ऊपर बजट खर्च हो किया जा रहा हो, खेती का उत्पादन जो है वो महंगा हो गया है और जो उसकी डिग्री है जो उसका बाजार है वो मिलने चाहिए तो मेरे पास नहीं पा रही है। और MSP जो है आज देश में जो राष्ट्रीय अनुदान प्रदर्शन का सर्वे है 2014 का, करीब 6-7-8% मतलब जो है वो MSP की है और बाकी MSP से नीचे भी। तो MSP का लागू होना बहुत ही जरूरी है। MSP को कंपल्सरी होना चाहिए, इससे उनको किसी नहीं मिलती। और पिछले 15 सालों का जो आंकड़ा आया है तो वो ये आया है कि पिछले 15 सालों के अंदर पूरे भारत के किसानों को न्यूनतम भाव से भी 45 लाख करोड़ रुपया कम मिला पिछले 15 साल। यानी मानिए 3-4 लाख करोड़ हर साल न्यूनतम से भी कम किसानों को मिलता है। और वो एक बड़ी चीज है कि अगर दो पैसा किसानों के पास आए 3-4 लाख करोड़ प्रति साल और भी हम पर बढ़े तो पूरे देश की जो GDP है वो बढ़ेगी, क्योंकि किसान जो है वो पैसा ढंग नहीं रखता, किसान उस पैसे को फसल में ढकेगा तो उससे देश की GDP बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि किसानों को कर्जा मुक्त करना चाहिए। अपना जो है जो सुसाइड कर रहे हैं किसान, आज हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर जाता है, लगातार कर रही है, कर्जे में लगते करते उन्दार करते जाती है किसान। तो वो जो बेटर है वो बड़ा
ज़्यादा गंभीर बैठा है जिसको सर जो एग्रीकल्चर लोन है, दो तरह का लोन है, एग्रीकल्चर लोन जो दिखाते हैं उसमें एक एग्रो इंडस्ट्री का करता है और एक एग्रीकल्चर का करता है, दोनों इकट्ठे करते हैं सरकार की। तो वो उसमें से अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दो, एग्रीकल्चर का कर्जा हम देखें तो वो बहुत कम है, 7.5 लाख करोड़ के तीन है, इसमें हर 30 मिनट में एक साल वर्जन है। और दूसरी तरफ अगर यही चीज कारपोरेट देखें तो आज कारपोरेट के जो लोग हैं जो बड़े ग्रामे हैं उन्होंने लगभग 20-20 हज़ार करोड़ को कमा लिया, यानी आंकड़ा ये करके सामने आ रहा है कि जितना किसानों के कर्जा है उससे दोगुना तो कारपोरेट का एन सी ए मतलब जो लेके मतलब वापस ले लिया। तो इसलिए देश में दो तरह के लोग किसान के लिए और है और कंपनियों के लिए बड़े निजी कंपनियों के लिए और है। और अब जो है तो देश का जो इसका कारोबार है खेती का, चाहे वो व्यापार है और चाहे वो खेती, खेती का व्यापार और खेती, ये दोनों चीज़ जो है वो कारपोरेट के हवाले का। अब नई बात और हमारे सामने ये आती है कि यहाँ पे अडानी अपने सेलर लगा के कह रहे हैं, यानी अब अगला जो सिस्टम होगा जैसे हरियाणा पंजाब में मंडी में धान जाता है, मंडी से फिर व्यापारी खरीद के ले जाता है, वो सीधा अडानी के सेंटर में जाएगा, यानी हरियाणा पंजाब से भी मंडियाँ तोड़ने की तैयारी है और यहाँ लाभ बढ़ाने की तैयारी है। जबकि पूरे देश के अंदर जो मंडी सिस्टम है वो शुरू होना चाहिए, हर चीज़ कम्पिटिशन में नीचे खोली थी, उसका कम्पिटिशन होगा मंडी में, अगर 20 व्यापारी मंडी में जाकर उसका कम्पिटिशन जो चीज़ को खरीदेंगे तो महंगी बिकेगी, और अगर तुम्हारा कम्पिटिशन होगा ही नहीं तो उसको पैसा आपसे कम्पनी निकलेगी। तो सभी चीज़ों की जो है वो पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के लोग भी जो बहादुर लोग हैं, तो पश्चिमी बंगाल के किसान भी उन सभी आंदोलनों में बापा जैसे नहीं बल्कि अगवानी है। तो इसलिए पश्चिमी बंगाल में आए और यहाँ पे अपने सत्या का किया है प्रदीप चक्रवर्ती जी जहाँ के प्रधान बनाए हैं और बाकी जिलों में बाकी हो गया तो ये हमारा जहाँ का मकसद है कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल के किसान भी बड़ा आंदोलन खड़ा करें और सब मिलकर करें, और जैसे आदिवासी लोग हैं या दूसरे और अधिक लोग हैं उनको भी साथ मिला के जो है आंदोलन करने के लिए खड़े रहें। धन्यवाद। और शहर में देखें तो सेक्टर 2% का
गांव को डिवेलप करें।